नमस्कार, आप देख रहे हैं पीनोज। पीनोज में आपका स्वागत है। आइए निकाल डालते हैं आज की इस खबरों पर। समस्तीपुर से बड़ी खबर, जिला पुलिस प्रशासन आई हरकत में। लॉडेस कार्रवाई के साथ जिले के टॉप 10 अपराधी को किया गिरफ्तार। पलटन सानी संवाददाता समस्तीपुर की रिपोर्ट। कि आप लोग जान रहे हैं कि विगत कुछ दिनों से मुफस्सिल थाना क्षेत्र में, मुसरी घर आदि में और आसपास के क्षेत्र में दो संशयनिखेज हत्या का मामला आया था, जिसमें एक मुफस्सिल थाना क्षेत्र कांड संख्या 297/20 है, जिसमें मनमोहन झा की हत्या हुई थी 7वें महीने में। और 8वें महीने में मुसरी घर आदि थाना क्षेत्र में एक लकी यादव, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, उनकी भी हत्या अपराधियों के द्वारा की गई थी, जिसमें नामजद अभियुक्त शशि राय और उसके साथियों का नाम आया था। जैसे आप लोग भी जान रहे हैं कि शशि राय उस क्षेत्र का एक कुख्यात अपराधी है और बहुत कम उम्र का ये लड़का है। और 2019 नवंबर में जेल से बाहर आने के बाद वो लगातार आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहा था, जिसमें हत्या, दो हत्या, रंगदारी, लूटपाट, उस क्षेत्र में धमकी देना और मारपीट करना इत्यादि का मामला सामने इसके द्वारा आ रहा था। ये अपने क्षेत्र में एक संगठित गिरोह का संचालन भी करने लगा था। इसकी कांड की गंभीरताओं को देखते हुए और इसके स्वभाव को देखते हुए एक विशेष टीम का गठन किया गया। SID का गठन हुआ SDPO सदर के नेतृत्व में, जिसमें इंस्पेक्टर मुफस्सिल विक्रम आचार्य, DIU प्रभारी परमानंद लालकर्ण, चंद्रकिशोर टिड्डू, सब इंस्पेक्टर मुफस्सिल थाना, DIU सब इंस्पेक्टर संजय कुमार सिंह, DIU की टीम अखिलेश बसंत कुमार सिंह सब इंस्पेक्टर और मुफस्सिल मुसरी घरई थाना की टीम भी शामिल थी। लगातार पिछले 3 दिनों से लगातार छापेमारी मुजफ्फरपुर, अपने समस्तीपुर जगहों पे हो रही थी। इसी क्रम में हमें जानकारी मिली कि कुख्यात अपराधकर्मी शशि राय अपने साथियों के साथ राज्य से बाहर झारखंड या अन्य क्षेत्र में जाने वाला है। इसके आधार पर कल रात में छापेमारी और घेराबंदी की गई, जिसमें से कुख्यात अपराधकर्मी शशि राय अपने साथी पवन कुमार और गोविंद कुमार के साथ मोहनपुर क्षेत्र में कल रात्रि में इसकी गिरफ्तारी हुई और इन लोगों के पास से एक कार्बाइन, देसी कट्टा, 12 गोली, मोबाइल और वाहन बरामद हुआ है। शशि राय कुख्यात अपराधकर्मी है। इसके विरुद्ध कुल 14 कांड दर्ज है। ये हमारे जिले का टॉप 10 अपराधकर्मी की सूची में शामिल था और इसके साथ जो अपराधी पवन पकड़ाया है उसके विरुद्ध 3 कांड दर्ज है। अन्य अपराधी जो फरार है उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है और इन अपराधियों के पकड़ाने से बहुत सारी घटनाओं का उद्भेदन हुआ है और अपराध में कमी आएगी। इसके लिए सभी टीम के कर्मियों, सिपाही, ऑफिसर्स को पुरस्कृत किया जाएगा। धन्यवाद। कितने अपराधी गिरफ्तार हुए? अभी कुल 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें एक शशि राय है, उसका साथी पवन है और एक और लड़का गोविंद है। 3 लोग गिरफ्तार हुए। अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए बरामद हुए, इन लोगों के पास से एक कार्बाइन, देसी हथियार कट्टा 3, 12 गोली, मोबाइल 1 और एक वाहन बरामद हुआ है। शशि राय टॉप 10 में शामिल है। इसका भाई, छोटा भाई भी अपराधी है और इसको अपने परिवार का भी श्रेय प्राप्त है।